मेरा नाम है शंकर, आप सभी को हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगा प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। इसका मतलब है PMEGP लोन आप कैसे ले सकते हो। ये सेंट्रल गवर्नमेंट का एक लोन है, जिस लोन में आपको 35% तक सब्सिडी आपको मिल जाएंगे। इसका मतलब आप 1,00,000 रुपये अगर लोन लेते हो तो आपको 35% आपको सब्सिडी मिलेंगे। आपको 65,000 आपको बैंक में शोध करना होगा, ठीक है। तो ये जो लोन है, एक बहुत ही अच्छा लोन है जो सेंट्रल गवर्नमेंट की द्वारा दिया जाता है कोई भी बिजनेस करने के लिए, ठीक है, नया बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। तो आप अगर रूरल एरिया में रहते हो तो आपको 35% आपको यहाँ पर आपको सब्सिडी मिलेंगे, जिसमें स्पेशल कैटेगरी जैसे STSC फिजिकल हैंडीकैप हो गया उसको 35%, और जो भी लोग जनरल OBC कैटेगरी में आते हैं उसको 25% तक आपको सब्सिडी यहाँ पर मिल जाएंगे। और आप अगर अर्बन एरिया में रहते हो तो आपको 25% STSC फिजिकल हैंडीकैप कैटेगरी को और जनरल OBC कैटेगरी को आपको 15% तक आपको यहाँ पर सब्सिडी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगा इस लोन के लिए आपको कैसे अप्लाई करना है, ऑनलाइन स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, और इसके लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है। तो चलिए देख लेते हैं कैसे इस लोन के लिए अप्लाई आपको ऑनलाइन से करना है। तो वीडियो आपके लिए ज़्यादा आज के लिए हेल्पफुल होने वाली है, वीडियो को स्किप मत करिए, फर्स्ट से लास्ट तक देखते रहिए। और हमारे चैनल पर जो लोग पहली बार देख रहे हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, पाछू बेल आइकन इसको जरूर हिट कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही नॉलेजेबल और अर्निंग से रिलेटेड वीडियो आपको मिलता रहेंगे इस चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम में आपको कैसे सब्सिडी वाले लोन के लिए अप्लाई करना है, उसका ही कंप्लीट प्रोसेस। आपको गूगल में पहले यहाँ पर टाइप करना होगा kbicsonline.gov.in, इस वेबसाइट का लिंक रहेंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। यहाँ पर आपको पहला ऑप्शन मिलते हैं PMEGP, पहला ऑप्शन चूज कर लीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पर पहला ऑप्शन चूज करना है PMEGP पोर्टल, यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद आपको नीचे यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन मिलता है, जैसे यहाँ पर आपको पहला ऑप्शन मिलता है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर इंडिविजुअल। आप अगर इंडिविजुअल हो तो आपको पहला जो ऑप्शन है वो ऑप्शन यहाँ से चूज करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पहला ऑप्शन चूज कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पर कुछ फॉर्म है जो आपको फिल करना है, जैसे पहले आपको यहाँ पर आधार कार्ड नंबर आपको यहाँ पर डालना होगा लोन एप्लीकेशन के लिए। इसके बाद यहाँ पर आप मिस्टर हो, मिसेस हो या श्रीमान हो, यहाँ पर आपको श्री आपको चूज करना है। उसके बाद यहाँ पर आपका नाम आपको डालना है, जो भी आपके आधार कार्ड में है वही नाम आप यहाँ पर डालिए, ठीक है। तो आधार कार्ड में जो भी नाम है वो यहाँ पर डाल लीजिए। उसके बाद वैलिडेट आधार में क्लिक करिए। नीचे यहाँ पर आपको स्पॉन्सरिंग एजेंसी कोई जो है उसको आपको यहाँ से चूज करना है। आपका अगर कोई भी एजेंसी स्पॉन्सर करता है तो उसको नाम यहाँ पर आपको डालना होगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पर KBIC यहाँ पर आपको चूज कर लेना है, क्योंकि खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन यहाँ पर ऊपर में देख सकते हो, वही ऑप्शन आप चूज कर सकते हो। या DIC आपके शहर में अगर DIC ऑफिस है तो DIC आप चूज कर लो। उसके बाद यहाँ पर आपको आपका स्टेट यहाँ से आपको चूज कर लेना है। तो बस स्टेट चूज करने के बाद यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट चूज कर लीजिए। तो पहले यहाँ पर आपका जो स्टेट है वो यहाँ पर चूज कर लीजिए। उसके बाद नीचे यहाँ पर आपका जो डिस्ट्रिक्ट यहाँ से चूज कर लीजिए। डिस्ट्रिक्ट चूज करने के बाद आपको नीचे यहाँ पर आना होगा, आपके डिस्ट्रिक्ट की कोई जो भी ऑफिस है DIC ऑफिस वो यहाँ पर आपको दिखने को मिल जाएंगे। उसके फ़ोन नंबर, मेल आईडी, सब कुछ आपको यहाँ पर पता चल जाएंगे आपके DIC ऑफिस कहाँ है, आप यहाँ पर देख सकते हो। तो मेरे हिसाब से मेरे यहाँ पर DIC जो ऑफिस है वो यहाँ पर आ चुका है। उसके बाद इस नीचे यहाँ पर आपको जेंडर चूज करना है, यहाँ पर आपका डेट ऑफ बर्थ देना है। नीचे आप स्पेशल कौन सी कैटेगरी में आते हो, जनरल OBC STSC माइनॉरिटी, वो यहाँ पर आपको सिंपली यहाँ से चूज कर लेना है, ठीक है। तो आप यहाँ से चूज कर लीजिए। उसके बाद नीचे यहाँ पर स्पेशल कैटेगरी हो गया है, नीचे आपका पूरा कम्युनिकेशन एड्रेस आपको यहाँ पर डालना है। आप कौन सी क्लास तक पढ़ाई किए हो वो यहाँ पर आपको देना होगा, आपका स्टडी, तो यहाँ पर 8 पास, 10 पास, 12 पास, ग्रेजुएट पास आपको यहाँ पर डालना है। नीचे यहाँ पर कम्युनिकेशन एड्रेस आपको डालना है, आपकी पूरी एड्रेस जो भी आपके आधार कार्ड में है वही एड्रेस आप यहाँ पर डाल लीजिए। नीचे यहाँ पर आपको पिन कोड डालना है, नीचे आपका मोबाइल नंबर डालना है, 2 मोबाइल नंबर आप यहाँ पर डाल लीजिए। नीचे आपका मेल आईडी डालिए, पैन कार्ड नंबर डालिए, यूनिट लोकेशन आपको यहाँ पर डालना है। उसके बाद सिलेक्ट ऑप्शन में क्लिक करके आपका यूनिट लोकेशन यहाँ से सिलेक्ट आप यहाँ से कर सकते हो। तो ऐसे धीरे धीरे आपको यहाँ पर पूरी फॉर्म जो है यहाँ पर आपको फिल करना है। नीचे आपका पूरी एड्रेस डालिए, नीचे और भी सिलेक्ट ऑप्शन है, वो सिलेक्ट ऑप्शन में क्लिक करके और भी कुछ डिटेल्स जैसे मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस, ट्रेंडिंग, टाइप ऑफ एक्टिविटी, आप कौन सी प्रकार
प्रकार का आप यहाँ पर बिजनेस या सर्विस करना चाहते हो वो यहाँ पर चूज करना है। सिलेक्ट इंडस्ट्री, कौन सी इंडस्ट्री में आप आपका बिजनेस करना चाहते हो, कौन सी सर्विस आप लोगों को आप देना चाहते हो, ठीक है। तो आप यहाँ से पहले वो यहाँ से आपको चूज कर लेना है। तो आप यहाँ से पहले अच्छी तरीके से यहाँ पर आप पहले चूज कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर आप चूज कर लीजिए कौन सी कैटेगरी का बिजनेस यहाँ पर करना चाहते हो, सर्विस के हिसाब से वो यहाँ पर आपको चूज करना है। ऊपर में सर्च बॉक्स भी है, उसमें लिख के भी आप यहाँ पर फाइंड आप यहाँ से कर सकते हो, सर्च भी आप यहाँ से कर सकते हो कौन सी बिजनेस आपको यहाँ पर करना होगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर यहाँ से अच्छी तरीके से वो यहाँ पर चीज़ ढूंढ के आपको सर्विस जो है वो यहाँ से आपको सिलेक्ट, आपको ऑटोमेटिकली यहाँ पर सिलेक्ट आपको यहाँ पर कर लेना है, ठीक है। आप कौन सी दुकान या कौन सी बिजनेस आप यहाँ से करना चाहते हो, यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन ऐसे कुछ दिया हुआ है। तो मेरा जो बिजनेस है यहाँ पर, मेरा बिजनेस जो है यहाँ पर मैंने सेट कर लिया है। उसके बाद यहाँ पर आपको प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, आपका जो भी प्रोडक्ट है उसके बारे में कुछ डिस्क्रिप्शन आप यहाँ पर लिख दीजिए, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन आप यहाँ पर पहले लिख दीजिए, जो भी डिस्क्रिप्शन, जो भी आपका जो प्रोडक्ट है उसके बारे में। मल्टीपर्पज़ अगर है तो मल्टीपर्पज़ यहाँ पर कंप्यूटर सेंटर या एक्सेसरीज आप यहाँ पर लिख सकते हो आपके बिजनेस के हिसाब से। EDP ट्रेनिंग अंडर अंडरग्राउंड यहाँ पर आप कुछ ऑप्शन दिया हुआ है EDP ट्रेनिंग, और EDP ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन नेम भी जो भी है वो यहाँ पर आप अगर डालना चाहते हो डाल सकते हो। अगर इसको येस करोगे तो डालना होगा, आप अगर इसको नो कर दोगे तो यहाँ पर आपको ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन का डिटेल्स आपको यहाँ पर नहीं डालना है, ठीक है। उसके बाद आपका यहाँ पर प्रोजेक्ट कॉस्ट आपको यहाँ पर डालना है, आपको कितना प्रोजेक्ट कॉस्ट चाहिए, कैपिटल आपका कितना कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो यहाँ पर आपको देना होगा, ठीक है। आपको कितना खर्च आएगा वो यहाँ पर आपका देना होगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर आपका जो खर्च है यहाँ पर आप दे सकते हो। उसके बाद वर्किंग कैपिटल कितना है, आपका कितना वर्किंग कैपिटल वो यहाँ पर आपको देना है। टोटल आपका कितना कैपिटल वो यहाँ पर आपका आ चुका है, आप यहाँ पर देख सकते हो। आपके वर्किंग के लिए आपको कितना पैसा चाहिए वो यहाँ पर आप देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट रोजगार जो है वो यहाँ पर आप देख सकते हो। मेरे मुझे यहाँ पर 5 लाख लोन चाहिए, तो यहाँ पर 5 लाख मेरा यहाँ पर आ चुका है। यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट रोजगार में आप यहाँ पर लिख सकते हो आपको यहाँ पर कितना पैसा आपको चाहिए। तो यहाँ पर प्रोजेक्ट कॉस्ट आपको अच्छी तरीके से यहाँ पर आपको देना होगा, उसके हिसाब से आपको एक चार्ट भी यहाँ पर बनाना है। आपके प्रोजेक्ट कॉस्ट के हिसाब से आपको यहाँ पर चार्ट भी यहाँ पर आपको बनाना है, क्योंकि वो उसके हिसाब से ही आपको यहाँ पर पैसा मिलेंगे। तो आप यहाँ पर अच्छी तरीके से वो यहाँ पर आप दे दीजिए, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट आपको आपके जो जहाँ पर काम आप बिजनेस चालू करना चाहते हो वो वहाँ पर कितने लोग काम कर रहे हैं वो यहाँ पर आप डाल सकते हो। सिलेक्ट बैंक नेम में क्लिक करके आप जो भी बैंक में आप ये लोन लेना चाहते हो वो बैंक यहाँ पर आप अच्छी तरीके से सिलेक्ट कर लो, ठीक है। उसका IFSC कोड, ब्रांच नेम, एड्रेस, डिस्ट्रिक्ट, आपको सब कुछ यहाँ पर आपको धीरे धीरे आपको यहाँ पर फिल करना है। जो भी बैंक में आप लोन लेना चाहते हो या आपके साथ जो भी बैंक में आपका संपर्क अच्छा है, जिस बैंक में बैंक मैनेजर के साथ, उसी बैंक में आप लोन के लिए अप्लाई करिए। आपको जल्द आसानी से आपका जो लोन है वो यहाँ पर पास हो जाएंगे, ठीक है। तो इसके लिए जो भी बैंक में आपका रिलेशन अच्छा है बैंक मैनेजर के साथ, उसी बैंक में आप लोन के लिए अप्लाई कीजिए। उसके बाद यहाँ पर मेरा बैंक डिटेल्स आ चुका है, सेव यहाँ पर एप्लीकेशन में क्लिक करके इसको आपको सेव करना है। उसके बाद इसको ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा पेज आ जाएंगे, यहाँ पर आप देख सकते हो प्लीज नोट योर एप्लीकेशन नंबर। मुझे यहाँ पर ऊपर में आप यहाँ पर देख सकते हो मेरा एप्लीकेशन नंबर आ चुका है, नीचे पासवर्ड भी मेरा यहाँ पर आ चुका है। तो एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड आप अच्छी तरीके से नोट डाउन कर लीजिए, इस पेज को प्रिंट आउट भी कर लीजिए, बाद में इसकी ज़रूरत होगी। तो इसके लिए ID पासवर्ड आपको बहुत ही ज़रूरत है, तो इसको आप पहले सेव यहाँ से कर लीजिए, ठीक है। इसे ही आपको PMEGP लोन के लिए ऑनलाइन से आपको अप्लाई करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर कुछ प्रोजेक्ट क्राइटेरिया है वो आपको बनाना है, और उसके साथ साथ जो भी डॉक्यूमेंट्स बैंक में चाहते हैं वो डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पर इस एप्लीकेशन के साथ आपको जमाना कराना है, ठीक है। तो ऐसे ही आपको इस लोन के लिए अप्लाई करना है, बहुत आसान और ईजी तरीके से। तो आज के लिए वीडियो इतना ही, चलिए मिलते हैं और कोई नई वीडियो के साथ।